मैंने अपनी जात को स्टेक पर लगाया हुकूमत स्टेग पर लगा दी मेरा कोई जाती मसला नहीं था मेरा कोई इशू नहीं था मेरा इशू यह था कि जज जो है मैरिट पर लगे ये सदर का जज ना हो ये वजीर आजम करना हो ये गिलानी साहब करना हो चौधरी मजीद साहब करना हो ये फलान साहब करना हो ये अपना की आमदन में इजाफा हो बजाय रॉयल्टी के उसको नेटरल प्रॉफिट दे दें किसी एक कोद मतलब ख़राब भी किया तो पूरी कौम को भुगतना पड़ता है उसका अब जनरल नदीम ताज साहब ने अमायके थे उसको तो वो थे प्रेम शरीफ के अजीज थे उन्होंने और रती खान और जुलकर नैन ने मिलकर एक शख्स जो है जो जूनियर आदमी था उसको चीफ जस्टिस बना दिया सुप्रीम कोर्ट का मेरा ख्याल ये तो अंधी नगरी चौपट राज ये तो मेरा ख्याल है यहाँ जब वो, वो होती थी वो रियात क्या नाम है स्टेट्स उनमें भी नहीं हुआ होगा और फिर मुझे कहा जा रहा थी कि ये हमारा आदमी आपसे उसको कुछ नहीं कहना क्यों आपका आदमी क्या मतलब है मैंने आपसे कहा ना कि ये तो चीज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसले बेचना जिसका दस्तूर है जनाब वाला तीस लाख में एक फैसला हुआ मुझे नहीं पता जायज साहब ने लिया नहीं लिया मैं नहीं कहता लेकिन ये जो हाउस ऑफ गाजियाबाद है जो करप्शन का एक सबसे बड़ा मरकज आजाद कश्मीर के अंदर इसके एक शहजादे ने वो जो फैसला हुआ तो तीस लाख अट्ठाईस लाख हुआ उसमें तो फिर दस लाख एक किस्त फिर दस लाख एक किस्त फिर आठ लाख एक किस्त वसूल की गई फैसले बेचना जिसका दस्तूर हो जूठ का सच बनाने पर मामूर हो अकबा परवरी जिसका मंशूर हो यानी अकबरा परवरी तो एक तरफ रह गया ये रक्षा यूनियन का इलेक्शन में भी जो है मीरपुर में जो है जनाब उनका होता था एक वो पैनल होता था अकबर परवीर जिसका मंशूर ऐसे इंसाफ से कौन बेजार है ऐसे इंसाफ़ से हमको इनकार है तो उन्होंने मुझसे कहा जी कि ये आप सोच लें कि आप में दो में से किसी को जाना पड़ेगा ये आप जाएंगे या अख्तर जाएगा मैंने कहा जनाब रशीद साहब अगर इस नेक काम में मेरी कुर्सी चली जाती है और ये हो जाता है तो मुझे इसी को में महंगा नहीं है वो मेरे आगे जब रात को पौने ग्यारह बजे फाइल आई चीफ सेक्टर या दो खास और थे मेहरबान थे दो कहा दस्तर करो तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा जी थोड़ा सा मैंने जो अल्फा दुराया वो मैं दुरा दिया मैंने कहा जी यू जब मैंने पढ़ा मैंने कहा यू कैन किल मी यू कैन अरेस्ट मी यू कैन थ्रो मी आउट ऑफ कश्मीर दिस पीस ऑफ पेपर बिकॉज दिस इज द मोस्ट ब्लेंटेंट वायलेशन अगेंस्ट द पीपल जम्मू कश्मीर चलाते सुन जो सबसे जो घनावना करदार अदा कियाता करप्ट आदमी है ये नहीं वैसे बड़ा ऊपर से सोफिस्टिकेटेड है बना हुआ है मुझे बुलाया अपने उधर मान सदर में बड़ी मेरी अब चाय शायरी है वो दूसरा तीसरा ये भी तमाम स्टाफ आगे पीछे एंड में एक फाइल देते हैं मैंने पता खोला कहने लगे मुझे चौदह हजार नाम जमीन चाहिए ये अभी ये, ये अगर इसका एसाब हो ना तो ये तो सारी बार जेल से निकल सकते वटू साहब जो है उनको यह था कि वो कश्मीर में जो ट्रेड चलती है उसमें मुँह की दाल का बड़ा आमदन तीन लाख रुपये एक ट्रक में कमीशन है जिसने कहा मेरे बेटों को अभी इसमें शामिल करो उसको तो कोई जगह मिले ना जी जहाँ से पैसा कमाना बेड़ा गार किया वो पहले प्रोडक्शन का मिनिस्टर था बदनामी कराया उसने वो चीनी के ऊपर सदर जरदारी को अती खान के साथ मशा करना चाहिए अती खान से ज़्यादा कोई ट्रेंड आदमी नहीं बानवे का सलाब आया था कि वालसा वजी अजम थे तो ये इन्होंने इमदाद में आगे पीछे किया फिर ये जो दो हज़ार पाँच का जल्दा था छः में वजीम बने तो इससे ज्यादा तजुर्बाकार कोई नहीं अगर सरदारी साहब ने जो उनके हैं अज़ायम जो उससे सुना तो यू कैन इम्प्ला है सरदारतीमदान इराक की मीटिंग थी तो मैं उनसे अलग करके मुझे ले गए तो कह लगे क्या इस पर तो मैंने कहा जनाब मैं करप्शन के साथ समझौता नहीं करूँगा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा तो मुझे आगे से बजा सके मुझे धक्की देते कहते बड़ा अच्छा है तू मेरा छोटा सा वजेम आजाद कश्मीर का मुझे कहते हैं भाई हर तरफ करप्शन है तुम क्या करोगे ये जवाब था उनका यानी इससे ज़्यादा और बैड गवर्नेंस ये, ये क्या मतलब है वजेम के पाकिस्तान के मुंह के आज निकलते मैं आज भी ये बात कहता हूँ आज अगर पाकिस्तान का वजी अजम ठीक हो जाए एक आदमी एक आदमी कोई ज़रूरत नहीं है बड़ा इनकलाब लाने की खून इनकलाब ऐसी बात ये जो आर्गनाइज इंस्टीट्यूशन करप्शन ख़त्म हो सकती है